नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। और आज का टॉपिक भी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, और पहले हमने वीडियो जो बनाया था वो था निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन एनालिसिस चार्ट को देखे, और आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के ऑप्शन इंटरेस्ट को लेके। दोस्तों देखिए, इस चैनल का प्योर मकसद आपको एजुकेशन देना है। कोई भी आपको, हम किसी भी अपनी थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ है अपने एनालिस्ट से पूछिए, अपने समझदार मित्रों से बात करें, उसके बाद ही कोई पोजिशंस लें। और अगर आपको आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचती रहे, और बेल बटन को जरूर दबाएँ बिल्कुल, ताकि उसी की वजह से ही आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाएंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बढ़ते हैं, आज का टॉपिक रहेगा बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। चलिए दोस्तों, हम फिर से चलते हैं अपने एनएससी की फेवरेट साइट के ऊपर। एनएससी की साइट पे आपको पता कैसे जाना है, और वहाँ लाइव मार्केट में आप आएंगे फिर से इक्विटी डेरिवेटिव्स पे ऑप्शन चेन के नीचे में। यहाँ निफ्टी की बजाय आपको आज चूज करना है बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, 1:57 7 जून 10,794 पे निफ्टी चल रही है, और बैंक निफ्टी देखिए आप मैच कर सकते हैं। 1:54 का ये चार्ट शो कर रहा है, 3 मिनट थोड़ा डिलेड होता है, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस बटन के माध्यम से। तो बैंक निफ्टी की जो चल रही है 26,679.55 रुपये चल रही है, ठीक है। तो हम करंट आज की ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई झोलझाल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि लेफ्ट साइड कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बताती है और राइट साइड पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बताती है। जो येलो कलर है, येलो कलर में जितनी भी ऑप्शन दिखाई देंगी कॉल साइड में, ये इन द मनी कॉल ऑप्शन हैं, और जो राइट साइड में येलो कलर की जितनी भी पुट ऑप्शन दिखाई देंगी ये आपकी सारी इन द मनी पुट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, बाजार चल रहा है 26,680, तो हम 6,680 के आसपास की जो सबसे करंट मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं, 600-700 के बीच में है, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं 26,600 के आसपास हम स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, 26,607 हमने आपको बताया था कि ओपन इंटरेस्ट में आपको ये देखना है कि किस साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, मतलब वो रेजिस्टेंस है, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, मतलब वो उसका सपोर्ट है। तो 26,000 पहले हम कॉल साइड को देख लेते हैं। कॉल साइड में आज की तारीख में 7 जून को क्या बाजार में सभी बैंक्स ने कल जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसका बड़ा स्वागत किया है, और आज बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है। और ये लगा लीजिए कि 26,600, अब यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, देखिए दोस्तों आपके लिए सबसे आसान है जाना, 31 लाख, यहाँ देखिए 31,22,160 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हैं 27,000 रुपये, मतलब 27,000 रुपये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। निफ्टी को लगता है कि 27,000 एक रेजिस्टेंस है जिसको पार करना निफ्टी के लिए थोड़ा, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। माफ़ी चाहूँगा, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19,33,000 का, 26,900 के ऊपर में, फिर 18,60,000 का, 26,800 के ऊपर में, 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 26,700 के ऊपर में। अब इसमें आप ये देखिए, पहले इसमें सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। दोस्तों हम करंट महीने की बात कर रहे हैं, आज जो ऑप्शन वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में, तो इसलिए जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन इंटरेस्ट आज 7 जून का है, करंट आप ये देख लीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें अगले महीने का भी देखना पड़ेगा। जैसे हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है 11,95,000 कॉन्ट्रैक्ट से 26,900, मतलब 26,900 से बाजार तेज नहीं हो रहा है, मतलब इसको इनको लग रहा है कि 26,900 से ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 14,61,000, मतलब आप ये मान के चलिए कि 27,000 से ऊपर की भी आज एक्सपायरी नहीं करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है अभी तक, तो ऐसा लग रहा है। अगर पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा रात को, अभी 3, 3:30, 3:15 बजे के आसपास फिर से देखेंगे इसको। और उसके बाद सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट 9,47,000 का, 26,800, मतलब 26,800 से भी नीचे रहना चाहिए बाजार मेरे हिसाब से, जो मेरे समझ में, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। और अब हम पुट साइड में आए थे, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखिए दोस्तों, पहले इस कॉलम में देख लेते हैं, ये है 22,70,000 का, ये ओपन इंटरेस्ट है टोटल 25,26,500, मतलब बाजार 26,500 है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। और इसमें 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, मतलब इससे बाजार नीचे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए वैल्यू भी कितनी रह गई, गिर के 8 रुपये वैल्यू रह गई है। उसके बाद 26,600 के ऊपर 18,39,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 26,600 से भी बाजार ऊपर रहने की उम्मीद है। अब देखिए आपको क्या, आप ये अगर सोचने की कोशिश करें कि आज एक्सपायरी कैसी होगी, आज एक्सपायरी कैसी हुई, आज लोग दोस्तों से मजाक मजाक में शर्त भी लगा सकते हैं कि चलिए मैं आपको बता दूंगा कि आज एक्सपायरी कैसे होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने लैपटॉप पे चुपचाप से ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोल के बैठना है, बिल्कुल नहीं बताना है कि आपको ओपन इंटरेस्ट देखनी आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखिए अगर आपको खेल खेलने तो अच्छे फाइनेंशियल खेल खेलें, ताकि जिससे हम नॉलेज भी बढ़ा सकें।
ये देखिए, तो मतलब 26,500, 26,600 मेजर सपोर्ट हो गए, 26,900 और 27,000 मेजर रेजिस्टेंस हो गए। मतलब इससे 26,000 और 26,600 के बीच में बाजार आने वाला है। अब अगर मान लीजिए दिन खत्म होते होते 3:15 तक 3:30 तक आते आते ये ओपन इंटरेस्ट और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, आपके लेवल क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये समझने में बड़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देख के ही आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट का पता कर सकते हैं, और आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आप ओपन इंटरेस्ट चार्ट की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम इनमें और भी विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और देख लेते हैं, देखिए आज का ओपन इंटरेस्ट जो पुट कॉल रेशियो है ऑलमोस्ट बराबर है क्योंकि आज एक्सपायरी है। चलिए हम अगले एक बार वीडियो खत्म करने से पहले अगले वीक की भी 14 जून की जो एक्सपायरी है वहाँ देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपको इस पॉइंट पे आना है जहाँ ये दोनों येलो कलर मैच करते हैं। यहाँ पे 26,600 के आसपास ही हम अभी इस बाजार में हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ ऐड हुआ है, 4,34,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 26,600 पे ऐड हो रहा है, और इधर में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 41,11,000 का 27,000 में। वही 26,000 27,000 जो ये महीना बता रहा है वही अगले महीने में भी सपोर्ट लेवल अब यही है। अब सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 1,38,000 का 27,000 पे, ठीक है। ये मतलब ये 27,000 एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब पुट साइड में देख लीजिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ ऐड हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 20, ये 4,30,000, 26,500। तो मतलब लेवल ऑलमोस्ट क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आया जाता है कि बाजार एक्चुअली एक्सपायर कहाँ करने वाला है, क्योंकि देखिए फ्यूचर जब एक्सपायर होता है तो वो स्पॉट से मैच कर जाता है, ठीक है, और वहीं से अगला महीना या तो डिस्काउंट पर स्टार्ट होता है या प्रीमियम पर स्टार्ट होता है। अब देखना पड़ेगा कि अभी 3:30 3:30 पे क्या ऑप्शन इंटरेस्ट की स्टोरी स्नैरियो क्या बनता है और बाजार किस करवट बैठता है। और वैसे अमूमन मैं 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ, ना मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि 2:30 बजे आपको ट्रेड लेना चाहिए, और आगे ट्रेड कैसे लेना चाहिए इस पर भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। उम्मीद है कि आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी थोड़ा रीड करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है अपने दोस्तों से भी शेयर करें प्लीज़, और इस वीडियो को बार बार देखें अगर समझ में नहीं आ रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। अगर आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या दोस्तों से शेयर करते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए हेल्प कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।